1 करोड़ जीत गए आप। आंखों में सपने हो, उन्हें साकार करने की जिद हो, तो ख्वाब को भी हकीकत बनना पड़ता है। आगरा की बेटी हिमानी बुंदेला ने कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 की पहली करोड़पति बनकर जिंदगी में कुछ कर गुजरने के अपने जुनून को साबित किया है। पॉजिटिव पॉइंट था मेरी, एक पॉजिटिव थिंकिंग जिसमें मेरे माइंड में एक ही चीज चल रहा था कि मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ आकर एक ही दो ही काम होंगे, या तो मैं कुछ सीखूंगी या जीतूंगी। हिमानी की जीत इसलिए भी मायने रखती है कि हिमानी ने बचपन में ही अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी थी। एक सड़क दुर्घटना में उनकी आंखों की रोशनी लगभग 80% चली गई थी। उस वक्त हिमानी 10वीं क्लास में थी। जिंदगी ने अचानक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन खुद पर यकीन, घर वालों का सहयोग और कभी ना हार मानने के इरादे ने हिमानी को आज इस मकाम पर ला खड़ा किया है कि जब पूरे आगरा को अपनी बेटी पर गर्व हो रहा है। 2011 में जब मैं 15 साल की थी और 11th क्लास में थी, तब एक सड़क दुर्घटने में का रोड एक्सीडेंट में मेरा आई का विजन लॉस हो गया था। मतलब रोड एक्सीडेंट के बाद बहुत पता चला, ट्रीटमेंट चला इसका, और कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद, 8 महीने बाद विजन सडनली लॉस हो गया। हाँ, ये बोलती थी मम्मी, एक दिन आपको पापा को इंटरव्यू जरूर दिलवाएंगे हम, ये अभी भी बोलती थी हमसे, एक दिन तुम्हारा मुझे आएगा कि इंटरव्यू तुम्हारा लॉस जाएगा, लेकिन वो दिन आज आ गया। बचपन से ही क्विज कॉन्टेस्ट खेल रही हिमानी की केबीसी में जीत ही सिर्फ मायने नहीं रखती है, बल्कि हिमानी ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है वो भी मायने रखता है। हिमानी केंद्रीय विद्यालय में टीचर हैं। अब केबीसी के लिए तो पढ़ाई बहुत जरूरत से ज़्यादा थी, कि जीके की कोई लिमिट नहीं है, तो उस संबंध में हमें बहुत परेशानी आ रही थी। इसको समझाने में कहते थे कि बेटा नहीं पढ़ पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो लेकिन इसकी लगन थी बहुत, और ये निरंतर जो है, मतलब हम मने भी कर रहे हैं तो अपने स्तर से पढ़ती थी, अपने दोस्तों के सहारे से, भाई बहनों के सहारे से। हिमानी आज पूरे परिवार का गौरव है। हिमानी ने अपने संकल्प से वो सिद्ध कर दिया है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है।